नमस्कार, कॉन्वर्सेशन विद विवेक, लेट्स टॉक लाइफ। आज मदर्स डे है, मेरे लिए तो हर दिन माँ का दिन है। मैं अपने माँ बाप से हमेशा बहुत जुड़ा रहा और बहुत कुछ सीखता रहा। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ अपने फादर का। उन्होंने जाने अनजाने मुझे एक ऐसी सीख दी जिसने मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज कर दी। 94-95 की बात है, मेरे फादर बहुत जल्दी गुजर गए। मैं क्रिमिनल फिल्म में चीफ असिस्टेंट था, तो तेलुगू वर्जन हिंदी वर्जन दोनों की शूट हमारी हैदराबाद में होती थी। तो जब मुझे पता चला कि पापा जी बहुत सीरियस हैं और जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, तो मैं वहाँ से आया। तो मैं चूँकि चीफ असिस्टेंट हो गया था, महेश भट्ट की यूनिट में था, बड़े बड़े स्टार्स के साथ दोस्ती थी, तो मेरे बहुत सारे मित्र मुझे लेने आते थे और मैं एक तरीके से एक लोकल स्टार था। हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेंट की कि आप इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं और लोग आपसे मिलने ज़्यादा आ रहे हैं और पेशेंट परेशान हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ बाहर रहिए। फिर हॉस्पिटल से डिमांड आई कि खून की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे फादर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, मेरा भी था, मेरी बीच वाली सिस्टर का भी था। मगर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप दोनों ना लास्ट मोमेंट के लिए रखो, अभी आप मत दो, और हमको कम से कम नहीं तो भी 7 से 10 बॉटल लगने वाली हैं। और मेरे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आए, सब लोगों ने फटाफट दान किया, खून दिया, और हमारे पास करीब 20 बॉटलें इकट्ठा हो गई। जम कट सीधा रात को, पापा जी लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनको पैर भी अगर फोल्ड करना हो तो मदद की ज़रूरत होती थी, पैर थोड़ा फोल्ड करो, फिर बोलते थे नहीं दर्द हो रहा, उसको फिर वापस सीधा करना पड़ता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खून का इंतज़ाम हो गया, तो मैं बोला हाँ, उनको 7-8 बॉटल चाहिए थी, 20 बॉटल इंतज़ाम हो गया। मेरी टोन में थोड़ा अहंकार था। तो मेरे फादर ने बोला कि वो मेरा कार्ड तुमने यूज़ किया CGHS का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो मैं बोला नहीं, कुछ नहीं, वो ब्लड टेस्ट के लिए उन लोगों ने 20-25 रुपये पर बॉटल लिया। तो बोले कितने लग गए? मतलब 250 रुपये लग गए, तुमने कार्ड क्यों नहीं यूज़ किया? तो मैं अपने फादर को, जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे चलना सिखाया है, जो इस वक्त बिस्तर में लेटे हुए हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि क्या आप 200-250 रुपये के लिए आप चिल कर रहे हैं? उतने का तो हम लोग पान वगैरह खा के फेंक देते हैं, उतना तो मेरा ऑटो का खर्चा बॉम्बे में। और मेरे फादर ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे। जम कट रात के 3 बजे मैं डायरी लिख रहा था। मेरी हमेशा की आदत है, मैं कुछ ना कुछ स्टोरी लिखता रहता हूँ। तो सडनली मेरे फादर ने पूछा, आउट ऑफ द ब्लॉक, कभी भूखे रहे हो? तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैला भूखे हाँ, मैला जब शूट हमारा नॉन स्टॉप चलता है तो फिल्म सिटी से यहाँ भागना पड़ता है फिल्मिस्तान, फिर वाली शूटिंग, फिर ये वाली शूटिंग, कई बार लंच डिनर दोनों स्किप हो जाता है। बोले फिर कब खाते हो? मैला जब घर आते हैं। बोले जब घर आते हो तो खाना मिलता है ना? मैला हाँ, वो जैसे कोई रूम पार्टनर हुआ या हम लोग मिल के बना लेते हैं। बोले उसको भूखा रहना नहीं कहते, भूखा रहना उसको बोलते हैं कि जब पता ही ना हो कि नेक्स्ट मील, नेक्स्ट खाना कब मिलने वाला है। मेरे पिताजी की स्टेप मदर थी, उनको खाना नहीं मिलता था, वो बहुत भूखे रहे, कई किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे, और कुरमुरा और क्या बोलते हैं उसको, चने, उससे वो महीना गुजारा करते थे। उस व्यक्ति को मैं अपने अहम अहंकार में बता रहा हूँ कि 200-250 रुपये से क्या होता है। और उन्होंने मुझे बताया कि वो सपने में देखा करते थे कि वो हलवा पूरी खा रहे हैं, किसी के यहाँ शादी चल रही है और वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया और वो हलवा पूरी खा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये 200-250 रुपये तुमको कभी बहुत भारी पड़ेंगे, अभी से पैसों की, मेहनत की और समय की वैल्यू करना सीख लो। मेरे पापा बहुत ज़्यादा हम लोग से कम्युनिकेटिव नहीं थे, मगर वो बात मेरे जहन में रह गई। मैं अपने फादर को देखता रहा और मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहाँ इन्होंने मुझे एक ऐसी सीख दे दी है जो मैं पूरी ज़िंदगी इख्तियार करूँगा। माँ बाप की सबसे अच्छी बड़ी बात ये होती है कि वो हमारे सबसे पहले टीचर, सबसे पहले शिक्षक, सबसे पहले गुरु होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी संघर्ष के साथ जी है, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जो आपके बागवान हैं। आप उनको ज्ञान मत दीजिए, आप चुपचाप बिना बोले माँ बाप की बात मानिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपका वजूद है, उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के कारण आपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान सीखा है। आपकी सफलता आपके माँ बाप की सीख से ही है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं समय की और पैसे की बहुत वैल्यू करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि इन दोनों के बगैर आप अपना विजन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर आप कहीं नहीं पहुँच सकते। इसलिए आज मदर्स डे के दिन माँ को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, उनकी सीखों को प्रणाम। जय हिंद।